भुट्टो का सीज़न है तो चलिए इसी से कुछ बनाते हैं। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न। इसके लिए सबसे पहले हमें भुट्टे के बीज को उबालना होगा। 250 ग्राम बीज मैंने लिया है यहाँ पर। सारे भुट्टे के दाने को हम अच्छी तरह से गला लेंगे। करीबन 4-5 मिनट उबालने के बाद में ये देखिए उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें हल्की सी शक्कर डाल रहा हूँ ताकि भुट्टे की जो मिठास है वो बनी रहे, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 मिनट में पकाया। टोटल 7-8 मिनट तक मैंने भुट्टो को उबाला है मीडियम आंच पे। अब मैंने उसे अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद इसे एक आप पेपर या कपड़े पर बिछा दें और उसका सारा पानी जो है वो अच्छी तरह से निकाल लें। इस तरह से बिछा करके सारा पानी अच्छी तरह से निकाल लें, नहीं तो होगा ये जब आप इसे तलने जाओगे तो ये सारे किचन में आपको दौड़ाएगा फूट फूट कर और आप कहोगे जायद भाई ये क्या हो गया। इस तरह से अच्छी तरह से उसे ये देखिए पूरा पानी को हमने निकाल लिया, एक्स्ट्रा पानी ये भुट्टे के दाने। चलिए अब हम हमारे भुट्टे के दानों को कोट करते हैं। सारा पानी अच्छी तरह सूख चुका है देखिए। अब हम इस पर कोटिंग करेंगे। इस पर मैं डालूँगा 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये इसी से क्रंची और क्रिस्पी बनेगा। अब मैं डालूंगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसे अच्छे से मिलाना है ताकि सारा आटा जो है वो इन दानों पर अच्छी तरह मिल जाए और कोट हो जाए। ये देखिए अब मैं इस पर डाल रहा हूँ हल्दी 1/2 चम्मच, इससे इसका येलो कलर जो है और बढ़ जाएगा। मैं हल्का पानी का छींटा मार रहा हूँ क्योंकि इसी पोजीशन में आप अगर तलोगे तो सारा आटा आटा हो जाएगा तेल में और आप बोलोगे जाहिद भाई ये क्या हो गया। ये देखिए हल्का सा पानी लगाने के बाद में ये कुछ इस तरह हो गया है। अब हमारे भुट्टे के दाने तलने के लिए तैयार है। देखिए तेल गर्म हो चुका है, मैंने चेक किया। अब अगर इस तरह से आप तेल में डालोगे तो देखिए सारा तेल उड़कर आपके हाथ पे लगेगा, इसलिए इसे चम्मच की मदद से इस तरह से धीरे धीरे डालिए। आराम से डालने के बाद में 1-2 मिनट तक इसे बिल्कुल टच ना करें, छोड़ दें और ढक्कन को 3/4 अगर ढक दोगे तो और बेटर रहेगा, वरना इतने के बाद भी वो जो आपको अपर कॉर्नर में एक दिख रहा है ना दाना, इस तरह से फूट करके इधर उधर जाएगा, वो उस साइड गया है, इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। अब इसे हल्के से हम पलटेंगे। ये देखिए पलटने के बाद हर दाना दाना अलग अलग हो गया। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर इसे 5-7 मिनट तक हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे। चलिए एक लॉट हमारा फ्राई हो चुका है। टिश्यू पेपर पे आप इसे निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे भुट्टे हमारे तल चुके हैं। ये देखिए अब इन दानों को क्रिस्पी कॉर्न का हम रूप देंगे। 1 चम्मच तेल डाला है मैंने कढ़ाई गर्म करके। 2 लहसुन बारीक बारीक कट करके डाला है। थोड़ा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ। अब इन सबको एक साथ हम चलाएंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। बस इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मैं इस पर डालूंगा 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी और हल्का सा विनेगर, आप लीमू का रस यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसे हम हमारे दानों को डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा गोल्डन क्रिस्पी कॉर्न तैयार है। और चटपटा बनाने के लिए हम इस पर थोड़ा चाट मसाला छिड़केंगे। ये देखिए और ये हो गया डन। ये देखिए हमारा गोल्डन क्रिस्पी कॉर्न बनके रेडी है। भुट्टो का सीजन है, भुट्टा तो हम भून के खाते ही हैं। आप इस तरह से ट्राई करिए, अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।